74वें संविधान दिवस के मौके पर नागपुर स्थित संविधान चौक पर संविधान फाउंडेशन एवं सहयोगी संस्थाओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जहां प्रास्ताविक पठन एवं शपथ विधि से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। हर साल नागपुर की पृष्ठभूमि पर संविधान दिवस के मौके पर दूर दराज से अनुयायी संविधान चौक पर आते हैं और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की स्मृति को याद कर इस संजीवन संविधान के लिए धन्यवाद देते हैं। इसी श्रृंखला में इस साल भी 74वें संविधान दिवस के मौके पर नागपुर स्थित संविधान चौक पर संविधान फाउंडेशन एवं सहयोगी संस्थाओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जहां प्रास्ताविक पठन एवं शपथ विधि से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां देश के विभिन्न वेशभूषाओं से संपन्न बालकों ने इस कार्यक्रम को चार चांद लगा दिए। इस वक्त कार्यक्रम के आयोजक एजेट खोबराकड़े ने सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। दर्शकों, संविधान चौक पर बड़ी मात्रा में संविधान रैली का आयोजन किया गया है और संविधान का कार्यक्रम, संविधान दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हिजाड खोबराकड़े, जिनके अथक प्रयत्नों से ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाता है, जो कि देश के और संविधान के प्रति काफी बड़ी बात है, काफी गौरवान्वित बात है। ये जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है संविधान चौक पर संविधान दिवस के अवसर पर, क्या कहना चाहिए? संविधान दिन की मैं शुभेच्छा देता हूं और मैं ये कहना चाहूंगा, बड़ी खुशी की बात है। 2005 में जो नागपुर से संविधान का प्रियाम्बल पढ़ना और संविधान दिन सेलिब्रेट करना शुरू हुआ, वो देश भर में अभी मनाया जाता है, वो नेशन वाइड प्रोग्राम हुआ। ये हमारे देश का संविधान है, सारे नागरिकों का संविधान है। ये संविधान कोई जात धर्म पंथ भेद नहीं करता, लिंग भेद नहीं करता, इसलिए सारे नागरिकों ने संविधान का सम्मान करना चाहिए और संविधान और कानून को अपना कर अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। ये इस वक्त पर संविधान का यही उद्देश्य है। दर्शकों, जिस प्रकार से खोबराकड़े जी ने हमें संविधान दिवस का जो है यहाँ संदेश दिया है, साथ ही साथ यहाँ बहुत से लोग यहाँ मौजूद है सफेद वस्त्रों में, जहाँ की किसी भी प्रकार का संविधान में लिंग वर्ण किसी भी प्रकार का भेद यहाँ नहीं माना गया, सब प्रकार का जिस प्रकार से संविधान सभी को अधिकार और कर्तव्य दिए है उसी को यहाँ इसी अवसर को यहाँ मनाया जा रहा है। दर्शकों, जिस प्रकार से हिजाड खोबराकड़े ने हमें बताया है कि किसी भी वर्ण जाति भेद यहाँ नहीं मनाया जाता है, जैसा कि किसी भी देश की नींव होती है, डॉक्टर इंजीनियर सभी इन नींव से बना होता है एक देश, जिस प्रकार से यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ डॉक्टर है, इंजीनियर है और यहाँ पे सभी जो महापुरुष भी है, यहाँ आनंदी बाई जोशी दिखाई गई है, नेहरू जी दिखाए गए हैं, साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, बिरसा मुंडा, अहिल्याबाई होलकर, सभी जो महापुरुष है, सभी जो है सेनानी है, सभी का जो है यह दर्शन इन बच्चों ने इस वेशभूषा द्वारा चित्रित किया गया है, जो कि संविधान के बहुत बड़े महत्व को यहाँ विदित करता है। दर्शकों, इस वक्त बाबा साहब आम्बेडकर की वेशभूषा में बच्चा मौजूद है, आपके हाथ में संविधान दिया है, संविधान की बहुत बड़ा महत्व है और संविधान द्वारा बहुत बड़ा अधिकार दिया गया था, क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान के बारे में? बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसमें सबके लिए जो है सेम तरीके से, किसी को भी निकाह अलग छोड़कर नहीं लिखा है, तो वही जो है अभी अलग अलग चीज़ों के वजह से संविधान को चेंज किया जा रहा है, तो वही मैं चाहता हूँ कि वो सब चेंज ना करे। दर्शकों, संविधान को किसी भी प्रकार का खतरा ना हो, किसी भी प्रकार से चेंज ना किया जाए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन अविरत प्रयत्न कर जो संविधान निर्माण किया है, उस संविधान की निर्मिति का कहीं ना कहीं सभी को काफ़ी बड़ा महत्व है और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की वेशभूषा में होते हुए कहीं ना कहीं देश का भविष्य यहाँ विदित होता है, देश का भविष्य यहाँ दिखता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मैं मनीष टेमरे, NBC न्यूज के लिए नागपुर। इस वक्त कुछ बालकों ने महापुरुषों की वेशभूषा बनाई थी, जहां उन्होंने अखंड संविधान का संदेश देते हुए संविधान हर समय अबाधित रहे और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का योगदान एवं समर्पण सभी के ध्यान में रहे यह कामना की। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।